हेलो एवरीवन, स्टार्ट करिया आपन को टॉप 30 अरिथमेटिक क्वेश्चंस रो डिस्कशन। आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट, बहुत प्रॉपर लेवल रो क्वेश्चंस रखा है जी, सो दैट आपन को कंप्लीट अरिथमेटिक पार्ट रिवाइज हो जाओ। मेन मेन कांसेप्ट्स सब आज क्लास रे रिवाइज हो जाओ। गुड जिनस खाली मैं हाइलाइट करी, अरिथमेटिक पार्ट तुरंत मुझे स्टार्ट करी विथ OSSE तापर आर आई कथा कथा टिके जस्ट मुझे 2-3 मिनट्स नेबी। OSSE एग्जाम्स अरिथमेटिक रो इंपोर्टेंस होची अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क। आपको सर 50 मार्क केमिंती आपंकर देखूँ, मैथ पार्ट रे 30-25 क्वेश्चंस डायरेक्टली अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर बेस्ड 25 मार्क। डीआई रे डाटा इंटरप्रिटेशन रे कंप्लीट एप्लीकेशन होची अरिथमेटिक रो। लास्ट टाइम आपंकर सीजीएल रे गोटे कंप्लीट सेट आसला टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई आसला। जो आसला केसलेट सेटा कंप्लीटली रेशियो ऊपर बेस्ड था। कंप्लीट माने डाटा इंटरप्रिटेशन होची एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक। धरंतु गोटे सेट पळे आसला सेट थ्योरी ऊपर ताको छाड़ दियंतु, बाकी तो कंप्लीट अरिथमेटिक सही एवरेज सही परसेंटेज सही रेशियो आपण यूज करिवे। सेते अरिथमेटिक जत्ते कमांड आपण आनिबे अरिथमेटिक ऊपर सेते आपणकर माने जिंस एनहांस हे जीवो। स्टार्ट करिया, ए जो कंप्लीट पीडीएफ मु सॉल्व करेबी एटा आपणकु टेलीग्राम रे एक्सेस हे जीवो। आपण चाहिले टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परिवे, सेठी आपणके कंप्लीट पीडीएफ मिलि जीवो। पीडीएफ अलोंग विथ जहाँ मुझे लिखी से मिल जाव। दुटा पीडीएफ, गोटे हूँ क्वेश्चन पीडीएफ आप पाइबे, आ गोटे हूँ मोर एनोटेशन पीडीएफ सॉल्यूशन रो। स्टार्ट करिया, आम एप रे आप हाइकोर्ट एस रो मॉक टेस्ट चाहिए ये करें एक्सेस करेंगे, कंप्लीट एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट ठीक अच्छे चाहिए ये करेंगे। स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ मुझे कहली आपन को किसी भी क्वेश्चन माने क्लास टाइम रे क्लास पॉज करना लिखिया दरकार नहीं, किसी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना दरकार नहीं। क्लास पर आपको एक कंप्लीट फाइल मिल जाव, आप से अटेम्प्ट देते। क्लास इंपोर्टेंट, क्लास से जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट कह माइंड रखु, क्लास टाइम जमा अटेम्प्ट नि कंप्लीट माने क्वेश्चन पीडीएफ भी मिल आ मोर एनोटेशन पीडीएफ भी मिल जाव। स्टार्ट करिया, क्लास क्वेश्चन टी भल लेवल अच्छी तो आप अटेंटिवली क्लास देखिए, पेशेंस सहित देखिए। 10 men can complete a piece of work in 15 days. Efficiency into time equal to work. पढ़े मुझे efficiency into time equal to work. एटा हूँ efficiency, एटा हूँ time, this is total work. Equal to 8 women can finish same piece of work in 25 days. 8 women, 25 days. That implies 150 m equal to 200 W। सो मु कही परिवी, दिस इज 3, दिस इज 4, 50 से कैंसल कली, एम बाय डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। मेन ओमेन रो एफिशिएंसी रेशियो पळे आसला, जदि एटा पळे आसला एठु मु टोटल वर्क बाहर कर दे परिवी। आइदर एटा को मु यूज करिवी और एटा को यूज करिवी ठीक अछि। धरंतु मु एठी पुट करूछि, एम रो वैल्यू होछि 4 पुट करंतु 40 × 15, सो टोटल वर्क इक्वल टू 600 पळे आसला। और आप एटा को भी यूज करेंगे, डब्ल्यू वैल्यू 3 पुट करूँ 24 × 25 एगेन 600 ये गला। नेक्स्ट ये पढ़ा, ओनली 10 women स्टार्टेड वर्किंग, ओके 10 women स्टार्टेड वर्किंग एंड इन अ फ्यू डेज कितने डेज हमको जाना नहीं, लेट्स से फॉर एन डेज दे वर्क एंड कंप्लीट अ सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क। आफ्टर दैट 3 men joined them, तापर 3 men तांको join कले, माने 10 women तो working अच्छा, तांको accompany कले 3 men as per the question। The remaining work was completed by 10 women and 3 men together in 5 days, okay, एमान को सहित इन 5 days ठीक अच्छे। सो दिस इज इक्वाल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क टा केते 600 टिके सॉल्व कर दियंतु, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू रो वैल्यू केते 3, सो 30 n प्लस 10 × 3 30 × 3 m रो वैल्यू होची 4, सो 12 + 3 सो 42 × 5 होची केते 210, सो प्लस 210 इक्वल टू 600, दैट इम्प्लाइज 30 n इक्वल टू 600 − 210 होची केते 600 × 200 करंतु 400 आउ 10 फेरंतु 390, दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 13, तो एन रो वैल्यू के आसला 13। सो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड 3 men जॉइन 10 women, आंसर हो 13। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 pipes रेस्पेक्टिवली
टू पाइप्स सेपरेटली इन 6 and 9 minutes रेस्पेक्टिवली ओके छ आउ नौ यांको एलसीएम हो 18 हो टोटल जेहेतु पाइप सिस्टम कहि 18 हो कोन सिस्टम रो कैपेसिटी ताहले एफिशिएंसी केते हबो दिस इज 3 दिस इज 2 एटा हो एफिशिएंसी बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम बट बीइंग क्लॉग्ड फॉर सर्टेन टाइम बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम बट बीइंग क्लॉग्ड माने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थिला ओनली 5/6 ऑफ फुल क्वांटिटी फ्लोस थ्रू फर्स्ट प्रथम टैप रो एफिशिएंसी केते तारो 5/6 एफिशिएंसी होची 3 यूनिट बट जेहेतु क्लॉग थिला माने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थिला यार ओनली 5/6 फ्लो करूची दैट इज हाउ मच दिस इज 2.5 यूनिट्स पर मिनट ठीक अछि फ्लोस थ्रू फर्स्ट एंड ओनली 3/4 थ्रू सेकंड ए देखंतु सेकंड रो एफिशिएंसी केते 2 यूनिट्स जदि किछि ऑब्स्ट्रक्शन नथांता क्लॉग हे नथांता ताहले 2 यूनिट्स फ्लो करथांता गोटे मिनिट रे सेकंड टैप रो बट जेहेतु क्लॉग हे जाय छी सो एटा कमी जाय छी फ्लोटा केते माने एफिशिएंसी केते कमी जाय छी 3/4 3/4 हे जाय छी हला 3/4 हे जाय छी त माने दिस इज 1.5 इफेक्टिव एफिशिएंसी छी एज द ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर तापरे बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम ता माने 2.5 प्लस 1.5 होची 4 यूनिट्स फ्लो करची पर मिनट फॉर सर्टेन टाइम लेट्स से फॉर एन मिनट्स चलला ता परे क्वेश्चन कहिची द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड ता परे ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करा हेगला एंड द सिस्टम इज फिल्ड इन 2 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट जतले ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करा हेगला ता परे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव परे पाइप दुटा निजे ओरिजिनल एफिशिएंसी रे काम करिवे ओरिजिनल एफिशिएंसी फर्स्ट होची 3 यूनिट सेकंड रो 2 यूनिट्स ता माने मिसिगल होची 5 यूनिट हे होची पर मिनट 5 यूनिट पर मिनट होची दुटा पाइप रो कंबाइंड एफिशिएंसी केते समय रे फिल अप करचोंती 2 मिनट्स रे इनटू 2 द इक्वल टू टोटल वर्क होची 18 दैट इंप्लाइज 4n इक्वल टू दिस इज 8 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 सो हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगन सो आपण कहिबे 2 मिनट्स एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इन एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर एंड रेशियो 1:1 जिंक एंड कॉपर को रेशियो अछंती 1:1 इन सेकेंड अलॉय सेम एलिमेंट्स आर इन रेशियो 3:5 इफ दिस टू अलॉयज be mixed to form new alloy in which two elements are in ratio 2:3 new elements the ratio hoch 2:3 hai na find the ratio of these two alloys in new alloy okay ethi yaro meaning significance 2:3 eight apanu kahini ki pratham ra two parts second ra three parts seta apanu kahini kahichi ki mix kala pare jo new alloy hela ta ghar ratio 2:3 thik ach bujhi parjun apan difference ताने कौन तम देखिए आम प्रथम आलोय के पार्ट्स सेकेंड आलोय के पार्ट्स मिस कले थर्ड रे आपको आसो क्लीयर हो सो केमी कर दुटा मेथड अच्छी मेथड 1 होची यूजिंग रेशियो मेथड 2 होची यूजिंग जहाँ आप समस्त जानते आलिगेसन मुझे दुटा मेथड कहि है फास्ट हूँ मेथड 1 रेशियो केमी कर देखो यहाँ हूँ टोटाल 2 यूनिट्स यहाँ हूँ टोटाल 8 यूनिट एटा होची टोटल 5 यूनिट समस्त का यूनिट सेम कर दियंत 2 5 8 एलसीएम होची 40 ऑलरेडी 2 अछि केते मल्टीप्लाई करले 40 हबो 20 ऑलरेडी 8 अछि केते मल्टीप्लाई करले 40 हबो 5 ऑलरेडी 5 अछि 8 मल्टीप्लाई करले 40 हबो एनी कॉलम को नियंतु आइदर एई कॉलम और एई कॉलम एनी कॉलम ले आंसर भारियो केम देखंतु धरंतु म एटा को नोछ दिस इज 20 दिस इज 5 × 5 25 दिस इज 3 × 8 होची 24 यांको सबट्रैक्ट करंतु एटा होची प्रथम रेशियो एटा होची केते 1 याद रु एटा करंतु फेडंतु दिस इज 4 तो रेशियो होची केते 1:4 फर्स्ट ए डिफरेंस एटा होची प्रथम रेशियो तापर ए डिफरेंस दिस सेकंड रेशियो तो आंसर होची 1:4 फाइन आपण ए कॉलम भी नहीं परिवे आपण ए साइड कॉलम भी नहीं परिवे चेक कर दउ छी देखंतु एटा होची 16 एड कर दउ छी 16 एटा होची 15 एटा होची 20 देखंतु सेम आछी ने आंसर 16 माइनस 15 होची 1 16 माइनस 20 होची 4 पॉजिटिव डिफरेंस नबे ठीक सो बुझी पारले आपण नेक्स्ट एलिगेशन रे केमती करिया देखंतु एलिगेशन रे कोन जिंक आउ कॉपर कथा कहि छी धरंतु मु जिंक ऊपर काम करिबे आपण कॉपर रे भी काम करले चलिबो जिंक रे करन धरंतु जिंक होची केते 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स सो 1/2 3 आउट ऑफ 8 पार्ट्स टोटल
मिक्स कला परे कौन होची को रेशियो 2:3 त माने जिंक केते अछि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ठीक अछि जेहेतु फ्रैक्शन रे अछि ताको होल नंबर रे कन्वर्ट कर दियंतु केमिति करिवे 2 8 5 रे एलसीएम होची 40 सबोटी 40 मल्टीप्लाई कर दियंतु 40 मल्टीप्लाई करले केते होची एटा कले 40 दिस इज 20 एठी कले 40 दिस इज 5 15 एठी 40 मल्टीप्लाई कले 8 दिस 16 अभी कैलकुलेशन अप्लाई करंतु दिस इज 1 एंड दिस इज 4 अगेन सेम रेशियो आसले कि नहीं 1:4 सो दीटा मेथड आपण बुझाय गला नेक्स्ट कुश मार्क्स एन आर्टिकल एट 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स टू प्रिया एट 12% डिस्काउंट 12% डिस्काउंट साउंड ठीक अछि हां ठीक अछि साउंड कुश मार्क्स एन आर्टिकल 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स टू प्रिया एट 12% डिस्काउंट धरंतु मु एठी भी आपनको एठी आपनको तीनटा कि चारटा मेथड मु कहबी धरंतु मेथड 1 मेथड 1 होची यूजिंग रेशियो हला बेसिक रे भी कहि फर्स्ट रेशियो मेथड देखि दियौ कुश मार्क्स एन आर्टिकल 30% अबव कॉस्ट प्राइस 30% अबव कॉस्ट प्राइस माने फर्स्ट कुश कुडची मार्क देन सेल्स टू प्रिया कुश रुपिया माने फर्स्ट आमे करिया कुश रुपिया यांको ट्रांजैक्शन देखिया कुश टू प्रिया ट्रांजैक्शन कोन करूची 30% अबव कॉस्ट प्राइस कोन करूची मार्क करूची तला मार्कअप कहा कहा को लिंक करे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस केते 30% अबव 30% होची 3/10 त माने 10 जदी मोर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस होची 13 ये गला एंड सेल्स टू प्रिया 12% डिस्काउंट 12% डिस्काउंट डिस्काउंट कहा कहा को लिंक करे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 12% 4% होची 1/25 12% होची 3/25 त माने जदी 25 होची मोर अरे एटा लिखु छी स्टूडेंट्स 12% होची केते 3/25 ना त 25 जदी मो मार्क प्राइस ताले 3 रो डिस्काउंट मिलिवो ताले एटा होची 22 ठीक अछि अबिका मार्क प्राइस त मते सेम करियाउ पडिवो सेम केमेति करबी 13 आ 25 रो एलसीएम जेहे दुटा को प्राइम एलसीएम केमेति होवो दुटा मल्टीप्लाई करियाउ पडिवो एज देयर को प्राइम नंबर्स त माने एठी मल्टीप्लाई करी 25 एठी मल्टीप्लाई करी 13 अबिका रेशियो मर्ज कर देली मर्ज करला पर कोन हो रेशियो नुवा रेशियो देखंतु 8 लिख दउ छी सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी ठीक अछि केते होची 25 इनटू 10 होची 250 इज टू 25 इनटू 13 325 तापर 13 इनटू 25 गला 13 इनटू 22 13 इनटू 22 टा होची केते 13 इनटू 20 होची केते 260 13 इनटू 2 26 260 प्लस 26 286 अरे केमिति कली 13 इनटू 22 13 इनटू 20 कली 260 13 इनटू 2 होची केते 26 260 प्लस 26 केमिति 286 ये गला प्रथम रेशियो काम हो गला अबिका नेक्स्ट प्रिया कथा सरला अबिका प्रिया स्टार्ट लाइट प्रिया मार्क्स ऑफ 50% सेल्स टू गीता एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% अबिका देखिया प्रिया टू गीता रो ट्रांजैक्शन कुछ टू प्रिया देखिले अबिका प्रिया टू गीता रो ट्रांजैक्शन देखिया हला फर्स्ट प्रिया कोन कला मार्कअप कला 50% मार्कअप ता कहा कहा को लिंक करे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस अलग कलर रे स्टूडेंट्स कर दो छी सो दैट आपन ठीक क्लैरिटी मिलिवो मार्क प्राइस अपन को कॉस्ट प्राइस आउ मार्क प्राइस को करे लिंक हला 50% हला 50% 1/2 ता माने 2:3 ओला कलर कले आपन ओटी क्लैरिटी मिलियो स्टूडेंट्स हला टिके प्रॉपर्ली आपन बुझ परिवे सेल्स टू गीता एट डिस्काउंट ऑफ 25% 25% डिस्काउंट डिस्काउंट कहा कहा को लिंक करे मार्क प्राइस आउ सेलिंग प्राइस केते हिची डिस्काउंट 25% 25% आउ केते 1/4 ता माने 4:3 अबिका मार्क प्राइस स्टूडेंट्स मते सेम करे पडियो कि नहीं 3 आउ 4 को प्राइम त माने तांका एलसीएम केते 4 × 3 = 12 तो एठी मल्टीप्लाई करबी 4 एठी मल्टीप्लाई करबी 3 स्टूडेंट्स किछि भी लेखंतुनी एठी आपन कंप्लीट पीडीएफ मिलिवो जहां मु लेखु छी सब आपन को प्रोवाइड करा हबा आपन सिंपल देखंतु क्लास बुझंतु अटेंशन टिके भी डाइवर्ट हेले कांसेप्ट मिस हि जीवो हां एठी अबिका मर्ज कला पर स्टूडेंट्स रेशियो केते हबो सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी दिस इज 8:12:9 3:9 ना अबिका देखंतु ये हला जिंस अबिका टिके बुझियो आपन स्टूडेंट्स कुश सेल कला कहा को प्रिया को प्रिया सेल कला गीता को टिके बुझंतु कुश सेल कला प्रिया को प्रिया सेल कला गीता को कुश सेल कला प्रिया को प्रिया सेल कला गीता को त माने मोर टू कोन कहि परिबि कुश रो सेलिंग प्राइस ता होची प्रिया रो कॉस्ट प्राइस अरे कुश सेल कला प्रिया को त माने कुश रो सेलिंग प्राइस जोटा प्रिया रो कॉस्ट प्राइस त माने एई पार्टा आ एई पार्टा सेम होगा था कि नहीं कुश रो सेलिंग प्राइस आ प्रिया रो कॉस्ट प्राइस सेम कि नहीं सेम
ता माने 286 आउ 8 एलसीएम केते आंको एलसीएम होची 1144 ता माने याद है केते 4 मल्टीप्लाई करले 1144 हिजबो आ याद है केते मल्टीप्लाई करले 1144 हबो याद रहले 143 ता माने याद रे मल्टीप्लाई करन 4 याद रे मल्टीप्लाई करन तो 143 ताहले रेशियो कोन हेगला चेक करन देखन तो मर्ज रेशियो लिखिया ताहले मु लिखि परबी दिस इज 1000 इज टू 4 इनटू 325 होची 1300 इज टू दिस इज 1144 दिस इज सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी क्लियर होची स्टूडेंट्स अब के एको मल्टीप्लाई करंतु एको मल्टीप्लाई करले मु इट लिख परबी मर्ज रेशियो कोन हेगला सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी बहुत सिंपल किछ नै 143 इनटू 8 होची केते 1144 इज टू 143 इनटू 12 होची केते 1716 143 इनटू 9 होची 1287 अब क्या देखंतु क्वेश्चन न कोई क्वेश्चन कहे इफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया इज 1001 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ क्रूज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया 1001 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ कहाटो सेलिंग प्राइस ऑफ कुश माने एटा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया होची एटा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया टा होची 1001 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ कुश ता माने यांको भितरे गैप टा हवा केते 1001 बट एक्चुअल अछि केते रेशियो रे गैप अछि 143 बट एक्चुअल रे गैप हबो केते 1001 ता माने 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 7 तले पचार छी कोन 8 वाट प्राइस एटा सीता ने एटा गीता लिखाबो सीता त नाही टोटल ये रेटा हो गीता एटा गीता लिखाइ छला गीता 22 एटा गीता लिखाइ छला सीता नो दिस इज एटा लिखाइ छी गीता 8 वाट प्राइस गीता 22 दी आर्टिकल हला माने आपण को प्रिया रो सेलिंग प्राइस ता होची गीता रो कॉस्ट प्राइस हला सो एटा होची प्रिया रो सेलिंग प्राइस जोटा होची गीता रो कॉस्ट प्राइस सेही प्राइस से गीता आर्टिकल बाय करिवो सो 1287 इनटू 7 सो 1287 इनटू 7 व्हिच इज 9009 आंसर होबो केते 9009 ऑप्शन रे गेन किंतु हम टाइपिस्ट भूल कर छी एटा 9009 कर दियंत ठीक अछ ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक अछ एटा होची आपनकर यूजिंग रेशियो मेथड आपण एको बेसिक मेथड रे भी करि परिबे बहुत सारा मेथड रे करि परिबे आपनको आउ गोटे मेथड में कहि दउ छी स्टूडेंट्स म आपनको आउ गोटे मेथड भी कहि दउ छी धरंतु बहुत सिंपल किछि नै हला धरंतु आपनको मेथड 2 भी म कहि दउ छी मेथड 2 हला धरंतु आपण 100 रु स्टार्ट करु छथि आपण 100 रु स्टार्ट करंतु एट लिखु छी हला देखंतु 100 रु मार्कअप कला केते 30% त माने हला केते 130 तापर को हला स्टूडेंट्स सेल्स टू प्रिया एट 12% डिस्काउंट अबिका 130 से 12% डिस्काउंट दिया हबो 130 से 12% डिस्काउंट दिया कथा को बहुत प्रॉपर्ली सुनिबे 130 से 12% डिस्काउंट दिया हबो एटा मार्क एटा कोन एटा होची मार्क प्राइस रे डिस्काउंट दिया हबो 130 से 12% डिस्काउंट 130 से 12% केते 130 रो 10% होची 13 गोटे 1% केते 1.3 2% केते 2.6 तले 12% केते 13 प्लस 2.6 व्हिच इज 15.6 ता माने एटु फेडीबे 15.6 केना 15.6 ता होची यार 12% केमिति कैलकुलेशन ला कहली आपनको 10% प्लस 2% क्लियर होची फेडले केते होची स्टूडेंट दिस इज 114.4 114.4 होची प्रिया रो सेलिंग प्राइस कथा बहुत प्रॉपर्ली सुनो एटा होची प्रिया रो सेलिंग प्राइस जोटा होची कहारो सॉरी एटा होची कुश रो सेलिंग प्राइस एटा होची कुश रो सेलिंग प्राइस जोटा होची प्रिया रो कॉस्ट प्राइस केना कुश सेल कला प्रिया को हला ये गला अबिका प्रिया कौन कला एही प्राइस ता होची प्रिया रो कॉस्ट प्राइस प्रिया ताको मार्कअप कला केते 50% 114.4 रो 50% केते 57.2 57.2 होजा 50% ऐड करंतु दिस इज 171.6 ठीक अछि एटा हला यारो मार्क प्राइस तब डिस्काउंट केते गला सेल्स टू गीता डिस्काउंट 25% 25% डिस्काउंट 25% डिस्काउंट माने कोन डिस्काउंट हो मार्क प्राइस और मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस ठीक अछि कारण डिस्काउंट लिंक करे मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस 25% हो छि केते 1/4 कारण 4 यदि मार्क प्राइस 3 हो छि मो सेलिंग प्राइस 4 करेस्पोंड करू छि केते को देखम तो एडी 171.6 एटा केते टाइम्स हो छि
42.9 टाइम्स हो जी, ता माने 42.9 इनटू 3 केते हबो 128.7, ता माने दिस इज 128.7 फाइन। अबिका 114.4 रु 128.7 स्टूडेंट्स हला, एटा हो जी केते गैप हो जी केते अपन करो, गैप हो जी 14.3 रो गैप, बट एक्चुअल रे कौन कहिची 1001 मोर, ता माने 14.3 इज एक्चुअली 1001, तो 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 70, 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 70, सो जदी 1 यूनिट 70 ताहले एटा होची फाइनली एई प्राइस रे किए गीता बाय करूची, कना एई प्राइस ता होची प्रियार सेलिंग प्राइस, प्रियार सेलिंग प्राइस ता होची गीता रो कॉस्ट प्राइस, ताहले 1 into 70 ताले 128.7 रो वैल्यू केते हबो 128.7 into 70 which is how much 9009 क्लियर हो जी, ऑप्शन डी बहुत क्लियरली बुझाला, सब जिंस लिखा है जी आपन बुझी दिबे। थर्ड मेथड रे भी करी हबो एमपी बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, से मेथड आपन ट्राई करिवे, एक्स रे भी आपन करि परिवे जोडा होची मेथड नंबर 4 आपन ट्राई करिवे, नॉन लाइन गोटे क्वेश्चन रे बहुत टाइम पड़ेबो। नेक्स्ट चारटा मेथड को आ गेला क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, इफ आइटम ए वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, ओके आइटम ए गोटे अछि आ गोटे होची आइटम बी अछि सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ केते 20%, 20% माने कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस होची 5:6 बुझिबार थे आपण, 20% होची केते 1/5 तो 5 रु 6, सेलिंग प्राइस आइटम बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 30%, लॉस ऑफ 30% माने 30% होची केते 3/10 त माने 10 जदी मोर कॉस्ट प्राइस 7 होची मोर सेलिंग प्राइस, का 3 रो लॉस ठीक। अबिका क्वेश्चन कोन कहला, इफ रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए और बी होची 6:7, सेलिंग प्राइस रेशियो केते होची 6:7, त माने जहां हमकु दरकार से रेशियो ऑलरेडी अछि, त माने हमहु किछ अरेंजमेंट करे दरकार नै। अबिका कहला कॉस्ट प्राइस ऑफ बी होची 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, त माने ए गैप ता होची 200, ए गैप ता होची 200, बट रेशियो रे गैप केते अछि 5 करेस्पोंड करूची 200 को, सो 1 करेस्पोंड करिवो 40 को, पचारची कोन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, त माने 10 यूनिट रे वैल्यू पचारची फाइन। ओरल क्वेश्चन बुझले नै मो हला, इछि नोट कर दरकार नै, कंप्लीट पीडीएफ हम प्रोवाइड कराओ, रिटन पीडीएफ हां। डीलर ऑफर्स कैश डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाइल इट फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू अ डजन टू अ स्टिकी बार्गेनर, फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू अ डजन, माने गोटे डजन पे पैसा मिलले 16 आर्टिकल दोछ, माने 4टा आर्टिकल फ्री दोछ, 12टा किनले 16टा पे पैसा दिया होची, बट आपन को माने जे शॉपकीपर 16टा आर्टिकल दोछ, त माने कोन 4टा फ्री दोछ ठीक अछि, 16 टू अ डजन 12टा जगह रे 16टा दोछ ठीक अछि, जदि 12टा जगह रे 16टा दोछ तले डिस्काउंट केते ऑफर करूची, तले डिस्काउंट केते ऑफर करूची 4टा फ्री दोछ, 4टा दोछ फ्री ऑन द बेस ऑफ 16, काहे कि ना ता पॉकेट रु माने कॉस्ट इनकर होची 16टा आर्टिकल रो, ता पॉकेट रु 16टा आर्टिकल जाउची 4टा फ्री, तले डिस्काउंट केते 4/16 व्हिच इज 1/4 व्हिच इज 25%, त माने डिस्काउंट केते जो 16 आर्टिकल्स टू अ डजन दैट इज सिग्निफाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, बुझछन आपण ओके 25% डिस्काउंट, आ गो डिस्काउंट केते होतला 20%, गोटे होची 20% आ गोटे 25%, तले इफेक्टिव डिस्काउंट केते, गोटे डिस्काउंट होची 20% आ गोटे होची 25%, तले इफेक्टिव डिस्काउंट केते बोले क्लियरली, इफेक्टिव डिस्काउंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 करिया, डिस्काउंट ता जेहेतु माइनस लिखि मु -25 -20 माइनस इनटू माइनस प्लस 500/100 ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 व्हिच इज 45 + 5 माने -40%, माने 40% होची आपनकर इफेक्टिव डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट 40%। अबिका फार्मूला अप्लाई करिया एमपी बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट व्हिच इज
हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट दिखाई के 20% तम 100 प्लस 20 हूँ 120 डिवाइड बाय डिस्काउंट पर कितने बाहर कला आम 40% सो 40% डिस्काउंट बाहर 40% माइनसटा भूल जातु माइनसटा हूँ मैंने माइनस सिग्निफाई कर डिस्काउंट मिली ठीक है सो 100 माइनस 40 हूँ 60 सो रेशियो इज 2/1 सो एमपी बाय सीपी रेशियो आसला 2/1 सो पचार कौन हाउ मच परसेंट एभव दि कॉस्ट प्राइस वेयर दि वेयर हिज वेयर्स लिस्टेड केते लिस्टेड कराई था मैंने दिस इज द रेशियो ऑफ एमपी बाय सीपी तो केते परसेंट मार्कअप कराई एक रु दुई तो मैंने वन रार्कअप होन द बेस अफ वन व्हिच इज 100% एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days डिसाइड कला 40 दिन बिल्ड कर He employed 100 men in the beginning, 100 men and 100 more after 35 days. माने 35 दिन जाए 100 जना काम कले 100 जना काम कले 35 दिन जाए तापर कौन हैला 100 more ता माने ए 100 तो काम करचंती आउ 100 जना आड़ हेले एंड टोटल 200 जना हेले एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम 35 दिन हे जाई छी टाइम डिसाइड हेता 40 दिन ता माने आउ 5 दिन काम करथिय माने ता माने इफेक्टिव वर्क केते हेगला 3500 प्लस 1000 होची 45 दिस इज द इफेक्टिव वर्क इफ ही आर नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मेन माने जो 100 जन एक्स्ट्रा आसले यदि आसी नथांते हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल वुड इट हैव फिनिश दैट ओवरऑल क्वेश्चन 45 होची टोटल वर्क यदि 100 जन करथांते लागी थांता केते 45 दिन लागी थांता बट आमे डिसाइड करथले केते 40 दिन रे तो के दिन एक्स्ट्रा हेगला 5 दिन 5 दिन रे काम बढ़ जीवो नेक्स्ट इन ए 140 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर इज ओनली 30% मिल्क एंड वाटर है मिल्क अच्छी सॉरी कहते वाटर इज ओनली 30% जब वाटर 30% मिल्क हूँ 70% 70-30-70-3 मिल्कमैन गेव 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर या भितर 20 लीटर देला कस्टमर को मैंने या भितर 20 लीटर बाहर माइनस 20 लीटर इनिशियली थिला केते 140 लीटर तो मैंने रेशियो कैसे रही 7:3 मिक्सचर रु जदि किसी पार्ट बाहर करा हुए तेल क्वांटिटी कम हो 140-120 होगा क्वांटिटी कम है कथा बहुत प्रॉपरली शुणे क्वांटिटी कम है बट रेशियो चेंज हेनी रेशियो कंपोजिशन चेंज हेनी कंपोजिशन जब किसी आड करा चेंज हे किसी रिमुव कले रेशियो जहाँ थी से बहुत डिटेल पढ़ाई मिक्सचर टॉपिक रे क्वांटिटी स्टूडेंट्स कम होगा 140-120 बट रेशियो जहाँ थी से क्लीयर एटा बहुत डिटेल आप पढ़ाई पूरा मैंने मिक्सचर टॉपिक पूरा यार ही बेस्ड पूरा है यदि आप गोटे ग्लास रखिंट जूस आप किसी पार्ट पी गले जब पी गले जो पार्ट बंचला तर टेस्ट चेंज हो टेस्ट चेंज होना जब मुझे पा आड करदेवी तेल टेस्ट चेंज हो पाचिया रेशियो चेंज हो बट जब मुझे पीदेली जहाँ बंचला से टेस्ट सेम थी पी आगे जहाँ थी अबिका भी से टेस्ट सेम अच्छी मैंने कंपोजिशन चेंज है क्लीयर बहुत ओवर एक्सप्लेन करा बहुत अधिक एक्सप्लेन करा जदि क्लास माने बुझंत आप ठीक जानते देन ही एडेड एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर टू रिमेनिंग मिक्सचर एज अ रिजल्ट मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 2:1 ही एडेड इक्वल क्वांटिटीज है ठीक अच्छे ओके अबिका देखीद दिस इज टोटल के 7+3 10 यूनिट रैल्यू हूँ 120 तेल 1 यूनिट करेस्पंड टू 12 तेने 7 करेस्पंड कर 84 को दिस करेस्पंड कर 36 को ठीक अच्छे तमाने मिल्क बाय वाटर कौन अच्छी एटा अच्छे 84 लिटर एट ए स्टेज रे 20 बाहर कलापर आटा अच्छे के 36 बट ये कौन कहला ही एडेड इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेट्स से एक्स लिटर प्योर मिल्क एड कला एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर तापर रेशियो के 2/1 36 नुह सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स 36 × 2 प्लस दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 12 तो एक्स वैल्यू कितना आसला 12 तो मैंने व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड 12 ठीक सेलिंग प्राइस ऑफ 13 एप्पल्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 मैंगोस सेलिंग प्राइस ऑफ 13 एप्पल्स 13 एप्पल्स रो सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स
इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 मैंगोज, 26 मैंगोज रो कॉस्ट प्राइस ठीक अच्छे 13 कैंसिल कले 2 टाइम्स दैट इंप्लाइज एस पी ऑफ ए डिवाइड बाय सी पी ऑफ एम द रेशियो इज 2 by 1 करेक्ट अच्छी हाँ तापरे कौन कहला नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोस सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोस 16 मैंगोस रो सेलिंग प्राइस इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स रो कॉस्ट प्राइस ठीक अच्छे 12 एप्पल्स रो कॉस्ट प्राइस तो 84 रे कैंसिल कर ले दिस इज 4 दिस इज 3 that implies selling price of M divided by cost price of A this is 3 by 4 fine okay selling if profit on selling mangoes is 20% now this is a very good question of ratio merging apanko concept eto clear hijo very good question bahut basic pila eta kari par nathibe dekhantu kemiti question kara hoji ei sabu question apanko crowd thu एज दबो ए सब अप्रोच आपको एज दबो देखो केमदि करबी प्रॉफिट ऑन सेलिंग मैंगोस होची 20% प्रॉफिट ता कहा कहा को लिंक करे कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस बट कथा होचो ना मैंगोस रो तो दिस इज एम एम 20% होची 1/5 तो माने एटा 5 हेले एटा होची 6 त माने सीपीएम आउ एसपीएम रो रेशियो होबा दरकार केते 5:6 सीपीएम अछि 1 एसपीएम अछि 3 बट दरकार कोन 5:6 फर्स्ट को भी रेशियो आनिया अगरु प्रथम एता को इक्वल करा हुए हला एटा एसपीएम अछि एटा सीपीएम अछि ओटे काम को उल्टा लिखि दवा आपन कन्वीनियंस पई सीपीएम बाय एसपीए हो जे केते 1/2 सिंपल एटा को उल्टा दे सिंपल रेसिप माने ये कर देली रेसिप इक्वल कर देली हला ताकि आपन बुझ परबे सीपीएम टा ऊपर अछि एसपीएम टा ऊपर अछि इजी हबो ठीक जानिया को अभी का देखंथु एई रेशियो दरकार मते 81 83 बट दरकार मते कोन 5 आउ 6 को भी रेशियो कणिया अगरु फास्ट तक इक्वल करा हुए 3 आउ 1 रे एलसीएम केते 3 एटी त ऑलरेडी 3 अछि एटी 3 कर दवा केमती करिया एटी 3 मल्टीप्लाई कर देली 83 सो द रेशियो बिकम्स 3/6 3/6 हे गला 3/6 हे गला अबिका एटा 3 एटा 3 सेम हे गला अबिका जो रेशियो कहि छि से रेशियो नै आसंत से रेशियो नै आसंत हला अबिका देखंतो एटा दरकार पते सीपी दरकार 5 सो एठी कर दियंतु 5 एसपी दरकार 6 सो एठी कर दियंतु 6 जहा करियो ऊपर तळ करिया पडियो रेशियो बिकम्स 15/30 दिस बिकम्स 18/24 ठीक अछि क्लियर होची आपनकु अबिका कहिला कोन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एप्पल्स एप्पल्स रो प्रॉफिट पचारला एटा कोन आसला एटा होची दिस पार्ट माने मैं लिखते जाउथरे दिस इज सीपीएम बाय एसपीएम ठीक अछि एसपीए प्रॉफिट ऑन सेलिंग एप्पल्स एप्पल्स का प्रॉफिट पचारला एप्पल रो कॉस्ट प्राइस केते अछि 24 तो प्रॉफिट सीपीए इज टू एसपीए लिखिया दिस इज 24 एंड एटा होची केते दिस इज 30 हला सो प्रॉफिट केते हे छि 24 रु 30 6 यूनिट कॉस्ट प्राइस केते 24 सो 1/4 व्हिच इज 25% सिंपल रेशियो मर्जिंग कले अपन कांसेप्ट बुझ परते बढ़िया क्वेश्चन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन नेक्स्ट बुझछन स्टूडेंट्स 10 मेन एटा बुझछन त किछि भी लिखिया दरकार नै ये कंप्लीट फाइल अपन को प्रोवाइड कराओ हां 10 मेन 15 women eat 5 apples in certain time dekho 10 men 15 women thik achi math re 10 men likha hai chi 10 men 15 women eat 5 apples in certain time how many apples will feed 5 men 15 women for same time supposing a man eat as much as 2 women okay a man eat as much as 2 women one man eat as much as 2 women so man women ra ratio kete asla this is 2/1 thik achi
2:1 आसला एफिशिएंसी रेशियो। अभी आम कौन अप्लाय करिया एटी जेहेतु बहुत जिनस वैरी करुच्छे एटी एफिशिएंसी इक्वेशन आड करिया M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2 एटी आवर कथा तो कहिनी सो आवर पार्टा को इग्नोर कर दियंतु। अबिका एटी M1 D1 बाय W1 M2 D2 बाय W2 अप्लाई केमिथि हबो सेटा बुझिया दरकार। देखंथ M1 जगह रे मु कोन लेखिबी एटा में क्वेश्चन करै छै ऑलरेडी टाइम एंड वर्क रे। M1 जगह रे एटी केते छै मैन, दिस इज 10 मैन प्लस 15 वुमेन, एटी 8 आसला M1 जगह रे हला। ईट 5 एप्पल्स इन सर्टन टाइम यो डी जगह रे किछ सर्टन टाइम अछि, लेट्स से n डेज रे खाइला हला। आ वर्कटा होची कोन 5 apples खाइयाटा होची मो काम W1 जगह लिखली। दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी apples will feed 15 men plus 10 women। M2 जगह लिखा हला 15 men 10 women, ठीक अछि। फॉर सेम टाइम माने एडीएन अछि माने एठी बी एन होबो हला। हाउ मेनी apple पचारला हला, हाउ मेनी apple, सो वर्क टाइम को जाना नहीं, ए वर्क टाइम को जाने क्वेश्चन मार्क पकेली। और अपन एक्स लिख परिवे और अपन एठी एक्स लिख दियौ अपन कन्वीनियंस हेबे एक्स लिख दियंत, ठीक। अबिका देखन एनएन कैंसल हो गला हला। अबिका कौन करिवे एफिशिएंसी रेशियो होची 2:1 पुट कर दियंत, एफिशिएंसी रेशियो पुट कर दियंत। त माने मु कौन कहि परि स्टूडेंट्स, एम जगह 2 पुट करंत 20 प्लस 15 होची 35 by 7 इक्वल टू एठी पुट करंत एम रे होची 2 डब्लू रे 1 30 प्लस 1 होची 40 सो 40 by x, ठीक अछि। दैट मींस दिस इज 5 हला, दिस इज एटा 5 थिला ना, एठी कैलकुलेशन टिके भूल लिखि दै छी म एठी, गोटे सेकंड मु किछ भूल लिखि छी बोले 10m टा होची 20 प्लस W1 माने 35 by 5 थिला, एठी मु 7 लिखि दै छी नै, ओके। सो एटा काटले केते होची, दिस इज बिकमिंग 7, एटा 7 हे जे नै, एटा हो जे 7, एटा हे जाउछ हमरो 7, एटा हला एक्स। दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू केते हबो, एक्स इक्वल टू हबो 40 by 7, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फाइन 40 by 7, फाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट करंतु, नेक्स्ट टिक अटेम्प्ट नियंतु, बहुत सिंपल क्वेश्चन टिके मु ये कर दिए प्रभु करंतु स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट नियंतु सिंपल क्वेश्चन गुडा। A vessel contains 6 liters of milk, 12 liters of milk taken out from it and replaced by water. Replace माने कौन? माने देखो तो 60 थिला, फर्स्ट थिला complete milk, 6 liters of milk, ताधेरु 12 बाहरला माने बंचिला केते 48। ना आपण बुझिया दरकार कि एठी मिक्सचर नाही, दिस इज 60 liters of प्योर मिल्क, एटू बाहर ना एटी रहला मिल्क। तापर कौन हला, तापर जो 12 बाहरी थिला 12 को रिप्लेस करा हेगला, रिप्लेस माने कौन, रिप्लेस माने होची जो 12 बाहरता से 12 को हमें रिप्लेस करले बट विथ वाटर, त माने बैक हेला विथ 60। अबिका 60 लीटर अछि बट एटी कौन अछि, एटी मिल्क आ वाटर मिक्सचर अछि, एटी कौन थिला ओनली मिल्क थिला, क्लियर। देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर, ए जो मिक्सचर रु 12 बाहरला 48 को आसला एंड अगेन रिप्लेस बाय वाटर, अगेन रिप्लेस इन फाइनली 60 ही बंचिला, ठीक अछि। देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, मिक्सचर्स टॉपिक रे आपन को एटा होची बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, बहुत डिटेल रे पढ़ाई छी रिमूवल रिप्लेसमेंट, यदि आपन सुनिथिबे क्लास रे ताहले एठी थिला 100% मिल्क, 100% मिल्क थिला, एठी हमर क्वांटिटी चेंज हला, 12 लीटर एठी मिल्क बाहरला बट एठी भी 100% मिल्क अछि, माने रेशियो रे किछ चेंज है नी, क्वांटिटी कम है छी हला। जेहेतु रिप्लेस हो छी वाटर रे, आमे सब बले नो चेंज कंपोनेंट रे काम करंथि, जो पार्ट चेंज हो नी, वाटर ऐड ही चालू छी, प्रति स्टेप रे वाटर ऐड हो छी, ठीक अछि। त माने आमे काम करे कोन छै, आमे काम करे मिल्क रे, सो मिल्क एट देखंथु, दिस इज 48 by 60, केतरो है छी दी थरो है छी, सो द स्क्वायर व्हिच इज दिस इज मिल्क बाय टोटल। कांसेप्ट आउ डिटेल रे बुझौनी आपन को ऑलरेडी बुझै छी
थ्योरी क्लास रे चेक करियो मैथ फाउंडेशन बैच दिस इज 4/5 रो स्क्वायर व्हिच इज 16/25 बट एटा कहा रेशियो दिस इज मिल्क अपॉन टोटल मिल्क बाय टोटल होचे एटा बट पचार छी कोनो मिल्क बाय टोटल पचार नी मिल्क बाय वाटर पचार छी जदी मिल्क बाय टोटल होचे एटा ताहले मिल्क बाय वाटर टा केते 16/25 माइनस 16 होची 9 एटा डायरेक्ट फार्मूला आपण अप्लाई कर परियो और कांसेप्ट जानिया टा बेटर केते थोर थोर क्वेश्चन आपण ट्विस्ट कर दी In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 4% votes were declared invalid. The candidate who won got 450 votes more than the candidate who lost. The votes of winner and loser, 3:2. Find total number of votes enrolled. एनरोल मैं टोटल भोट्स पचारा टोटल जो रजिस्टर करे टोटल भोट्स है इन दैट इलेक्शन ओके ठीक अच्छे कैंडिडेट हु वन गट 450 मोर भोट देन कैंडिडेट हु लॉस्ट माने यांको गैपटा होची एक्चुअली 1 बट एक्चुअल भोट रे केते 450 ताने 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 450 ता माने टोटल अच्छी केते 5 यूनिट यदि 1 यूनिटटा होची 450 ताले 5 यूनिट रो वैल्यू केते हबो 445 × 5 = 225 2250 votes but total votes enrolled amu darkar let's say total vote enrolled hochi x ra kete percent 75% votes voters cast their votes tamane yaro 3/4 tapare 4% votes hochi declared invalid 4% hochi kete 1/25 jodi 4% declared invalid tale valid kete 24/25 this is equal to ei part ta asla 2250 this is 6 times that implies x equal to kete hochi 2250 × 25 divided by 18 thik ache 18 re katle kete hochi this is 125 × 25 hochi kete 3125 option e is correct thik ache students extremely simple question भैया नटवरलाल सेल्स गुलाब जामुन एट 15 पर केजी एटी कहि छी सेल्स माने सेलिंग प्राइस कथा कहू छी अगला जामुन इज मेड ऑफ फ्लोर एंड सुगर इन एथिक रेशियो अगला जामुन नहीं अ गुलाब जामुन ओ सॉरी एटी देखो तो एटी स्पेस रहिया कथा अ गुलाब जामुन होबा कथा टिके स्पेस रहिया कथा एटी स्टूडेंट्स बुझछंती मुवी पढ़ छी अगला जामुन एटी रहिया कथा स्पेस एटी हम टाइपिस्ट स्पेस रखिनी एटा होची अ गुलाब जामुन ठीक अछि अ गुलाब जामुन माने गोटे गुलाब जामुन इज मेड ऑफ फ्लोर एंड शुगर इन रेशियो 5:3 रेशियो प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लोर होची एतिकी थस ही अर्न्स 66 × 2/3% प्रॉफिट 66 × 2/3% प्रॉफिट नाउ स्टूडेंट दिस इज इंपोर्टेंट प्रॉफिट टा कहाँ कहाँ को लिंक करे प्रॉफिट टा लिंक करे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को 66 × 2/3 रो फ्रैक्शन वैल्यू कहते 2/3 ता माने जदि तीन पार्ट्स हो जी मोर कॉस्ट प्राइस दुई रो प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस हो जी 5 पार्ट करेस्पोंड करू जी केते को 15 कहे ना मु को लिखी जी ऑनलाइन को जी सेल्स एटा हो जी सेलिंग 5 करेस्पोंड्स टू 15 सो 3 मस्ट करेस्पोंड टू 9 ता माने कॉस्ट प्राइस हवा कथा 9 टका हला 9 टका पर केजी अभी के आपण देखंथ गुलाब जामुन जो अछि सेटा बना हिची केमिति ठीक अछि गुलाब जामुन जो बना हिची कॉस्ट प्राइस हवा कथा 9 ठीक अछि बना हिची कोन फ्लोर रे आ शुगर रे ठीक अछि बना हिची शुगर एंड फ्लोर को मिसेई किना बना हिची गुलाब जामुन शुगर और फ्लोर रा प्राइस केते अछि 7 और 3 हला याको मिसेई किना गुलाब जामुन बना हिची हला याको मिसेई किना गुलाब जामुन बना हिची केते केजी फ्लोर रा केते केजी शुगर रा केते केजी शुगर रा होची 3 पार्ट्स शुगर रा होची 3 पार्ट्स और फ्लोर रा केते 5 पार्ट्स एटी फ्लोर और शुगर रेशियो दिया हिची शुगर और फ्लोर कहि देबेनी हला फ्लोर और शुगर दिया हिची माने दिस इज 3 पार्ट्स दिस इज 5 पार्ट्स हला एटा होची ओवरऑल जहा भी आस्थिवो यासला ठीक अछि ताले मझी पार्ट ता केते एटा हम मिक्स करना बनु चंदी गुलाब जामुन शुगर और फ्लोर को मिक्स करना गुलाब जामुन रा कॉस्ट प्राइस होड़ी जे एटा बुझछंती
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिगेशन। अबिका मझी भैल्यूटा कहते बाहर करिया 7 × 3 + 3 × 5 21 + 15 व्हिच इज के 36 होल डिवाइड बाय 3 + 5 हूँ 8। कौन अप्लाई कली वेटेड एवरेज फॉर्मूला, वेटेड एवरेज फॉर्मूला अप्लाई कली ताने मझी भैल्यूटा के आसला मझी भैल्यूटा आसा 36/5 ताने मुझे कौन कहीपरि 36/8 करेस्पंड्स टू के दिस इज ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हूँ 9 दिस करेस्पंड्स टू 9 तो वन रैल्यू के वन रैल्यू हूँ 72/36 व्हिच इज 2 यूनिट्स पचार कौन कॉस्ट प्राइस ऑफ सुगर सुगर रो कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट तो 7 यूनिट रैल्यू के कहीं कही 7 यूनिट रैल्यू के 14 ऑप्शन दिस ऑप्शन ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी स्टूडेंट्स ठीक हो जी एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन किसी नहीं याद रे नेक्स्ट ट्रेन ए ट्रैवल्स एट 84 किलोमीटर पर आवर ओवरटूक ट्रेन बी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कथा आसला माने आप जान लें कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड अप्लाई होचे ओके इन 10 सेकेंड्स ट्रेन बी हैड बीन ट्रैवलिंग एट ट्वाइस इट्स स्पीड देन नुह नहीं नहीं देन ठीक अच्छे इफ ट्रेन देन ट्रेन ए वुड हैव टेकन एति की सेकेंड्स टू ओवरटेक इट फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी ट्रेन एटा होची तार हाफ ओके बहुत सिंपल है डिस्टेंस लेंथ कथा पचार लेंथ माने कौन डिस्टेंस डिस्टेंस के बाहर डिस्टेंस सब बाहर स्पीड इंटु टाइम स्पीड इन टाइम बट एटी स्पीड केमती आसो जेहेतु दुईटा ट्रेन कथा कहूँ डायरेक्शन कथा कहूँ एटी आम रिलेटिव स्पीड उपरे काम करिया तो ट्रेन ए रो स्पीड ता होची 84 ट्रेन बी सेम डायरेक्शन रे जाउची ता माने माइनस करी भी माइनस बी हला एटा हसला स्पीड इनटू टाइम केते 10 स्पीड इन टाइम होची कोन डिस्टेंस हसला दिस इज इक्वल टू सेकंड टाइम सेकंड केस कोन होची ट्रेन ए रो होची 84 माइनस ट्वाइस इट्स स्पीड ट्रेन बी जो ट्वाइस इट्स स्पीड रे जीवो माने माइनस 2b होल इनटू टाइम केते लागुची 22.5 ठीक अच्छे 22.5 ओके आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर में अच्छी मीटर पर सेकेंड में 5/18 मल्टीप्लाई करूँ देखो ये जब 5/18 मल्टीप्लाई करी एटी भी तो 5/18 मल्टीप्लाई करी दियाड़ कैनसल हो तो मल्टीप्लाई करा दरकारी नहीं अरे 5/18 आप एट मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करा एपट भी करेंगे 5/18 मल्टीप्लाई दियाड़ 5/18 कैनसल हो नहीं तो लिखा कौन दरकार ओके सब बुझे आपका 2.5 कैनसल करूँ 2.5 4 टाइम्स दिस इज 9 टाइम्स सो मुझेपरि 84 इंटू 4 छाड़ू जहाँ हूँ आम कैलकुलेशन कनसर्ण नुहत कैलकुलेशन के आराम से करहब बेस कनसर्ण 84 इंटू 4 माइनस 4b इक्वाल टू 84 इंटू 9 छाड़ स्टूडेंट आपको मल्टीप्लाई का दरकार ना है माइनस 2 इंटू 9 हूँ कैसे 18 सो 18b ओके दैट इम्प्लाइज 18 इपट को बैसले 18 माइनस 4 हूँ 14b इक्वाल टू 84 इंटू 4 84 इंटू 9 एपट पड़े कौन हो 84 कमन आसला 9 माइनस 4 5 तमें के बची जी 84 इंटू अरे 5 बुझे ना 84 9 अच्छे 84 इंटू 4 अच्छे सब्ट्रैक्ट हो भाई तो 84 इंटू 5 दैट इम्प्लाइज 84 इंटू 5 बाय 14 दिस इज 6 टाइम्स दिस इज 30 आराम से भारी आसला सो बी रैल्यू भाई आसला 30 बीटा हूँ कौन ट्रेन बी स्पीड जो ट्रेन बी स्पीड 30 पलि आसला अबिका आम लेंथ बाहर करदे पारिया लेंथटा हूँ के लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी दिस इज इक्वल टू एट डिस्टेंस ना डिस्टेंस हूँ स्पीड इन टाइम स्पीड के पुट करूँ और सीट पुट करूँ धरतु मुझे पुट करी 84 माइनस 30 हूँ के 54 इंटू एटा हूँ किलोमीटर पर आवर में अच्छी एटा किलोमीटर पर आवर है अबिका मीटर पर सेकेंड में करी 84 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड में कमी हम 5/18 मल्टीप्लाई करूँ एटा तो अच्छे स्पीड टाइम के 10 सेकेंड इंटू कौन 10 तो दिस इज 3 टाइम्स तो दिस इज 3 इंटू 5 15 इंटू दिस इज 150 150 आसला लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी है दुईटा ट्रेन लेंथ आसला बट कही आपको हाफ द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इट इज गिवन दैट इट इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन बीटा हूँ हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए माने ए इज टू बी कौन रेशियो अच्छी
ट्रेन बीटा हूँ हाफ दि लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेन टा टू यूनिट्स दिस इज वन यूनिट्स तम मैंने तीन यूनिट्र भैल्यू हूँ के 150 ताहले पचार लेंथ ऑफ ट्रेन बी ताहले वन यूनिट्र भैल्यू के हम यहाँ हूँ वन यूनिट ना तो वन यूनिट भैल्यू के दिस इज 50 50 ऑप्शन ई इज करेक्ट स्टूडेंट्स ऑप्शन ई इज करेक्ट ओरल क्वेश्चन किसी नहीं यहाँ नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स होचे एट 8% पर एनम इज हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 इयर्स एट 10% ओके 2 वर्ष तार हाफ ओके आम ये कोड मेथड अप्लाई करिया कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करिया को 2 वर्ष कथा कही सीआई बाहर करी फास्ट मुझ कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करदेवी है कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर कलापर क्वेश्चन सहित प्रोसीड करिया है प्रिंसिपल हूँ 4000 है केते वर्ष कथा कही 2 वर्ष कथा 2 वर्ष कोड आम जानते 2-1 रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 10% प्रिंसिपल रो 10% केते गोटे जीरो कम हो 400 लिखिले तले 400 रो 10% केते 40 मल्टीप्लाई करंतु दिस इज 800 प्लस 40 व्हिच इज 840 सो 2 वर्ष रो सीआई बाहरला 840 2 वर्ष रो सीआई होची 840 कहिची सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 8% इज हाफ द माने यार हाफ यार हाफ टा के स्टूडेंट्स यार हाफ टा होची 420 420 टा होची एसआई आपण कहि छी एज पर द क्वेश्चन ओके एसआई केते वर्ष रो देखंतु 3 वर्ष रो एट 8% माने 24% कैन सिंपल इंटरेस्ट पद सेम थाय 24% रो वैल्यू होची 420 पचार जी प्रिंसिपल टा ओके प्रिंसिपल पचार जी माने 100% पचार जी ओटे काम करिया एउठु मु 4 को जीवी 4 टा होची कोन कली याकू बाय सिक्स कले 4 पहुँचिली है तो 4 हूँ के बाय सिक्स या भी कराया पड़ो बाय सिक्स कले कैसे हम 70 4 कहीं पहुँचली क्या मत 100% दरकार 100 हूँ 4 मल्टीपल अबिका मुझे 100 को पहुँची 100% हूँ मो प्रिंसिपल 4 के मल्टीप्लाई कले 100 पहुँची 25 अबिका या 25 मल्टीप्लाई करी 25 इंटु 7 के 175 दिस इज 1750 स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ओराल क्वेश्चन नहीं ये सब आपको दिया हम किसी भी लिखा दरकार नहीं किसी अटेम्प्ट ना दरकार नहीं ये पाइबे आप देखीद थे क्वेश्चन भी मिलो सल्यूशन भी मिलो सीमा बरोस करूँ आप अटेम्प्ट नि कल गला किए ना किए करना ठीक अच्छे स्टूडेंट्स करूँ अटेम्प्ट सीमा बरोस 2500 फॉर फ्रॉम टू मनी लेंडर्स ही पेज इंटरेस्ट ऑफ 12% फॉर वन लोन एंड 15% ऑन अदर लोन टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर एंटायर ईयर होची 354 ओके फॉर वन ईयर फॉर वन सिंपल केस ऑफ एलिगेशन दिस इज वाई 12% दिस इज 15% मिक्स करा होची मिक्स करना केते होची 354 एटा को आउट टिके आमे सिंपल करि परिया 12% कहार प्रिंसिपल रो 12% केते 300 आपण को एट कर दियो दिस इज 300 दिस इज 15% हाउ जे केते 25 केते 250 25 इंटू 5 केते 125 तो 375 है 15% ऑफ 2500 मिक्स है स्टूडेंट्स मिक्स है ना कहते आसला 354 बेसी एक्सप्लेन करनी कहीं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक रे डिटेल रे पढ़ाई सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक थ्योरी रे डिटेल रे पढ़ाई बेसी ओवर एक्सप्लेन करनी टॉपिक चेक करेंगे दिस इज 21 दिस इज 54 को रेशियो हो तीन रे काटले दिस इज 7 दिस इज 18 ठीक अच्छे ओके टोटल देखो दिस इज 25 यूनिट वैल्यू के 25 यूनिट वैल्यू 2500 तो 1 यूनिट वैल्यू होची 100 पचार जी कौन अमाउंट बोरोड एट 15% 15% केते 15% रे कोडा 18 पार्ट्स तो माने 18 पार्ट्स ऑफ वैल्यू केते 1800 ऑप्शन दिस इज करेक्ट हला एटा होची ऑप्शन ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी राइट नेक्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इट डेवलप्ड अ इंजन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस किछ डिस्टेंस पर ठीक अछि लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 900 इट ट्रैवल्स डेवलप्स अ इंजन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस लेट्स से ए पॉइंट रे इंजन प्रॉब्लम हला ठीक अछि किछ डिस्टेंस गला पर इट ट्रैवल द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 3/5 ऑफ इट्स स्पीड ओके ताहले स्पीड कौन है स्पीड रेशियो कौन है 3
थ्री फिफ्थ तमें इनिशियली जदि पाँच थी पाँच री फिफ्थ कहते तीन होगा ठीक अच्छे बट युद्ध इतनी डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड आउ टाइम इनवर्स हुए जब स्पीड फाइव इज टू थ्री टाइम हम थ्री इज टू फाइव ठीक अच्छे इनिशियली टाइम लगुला युद्ध ये हूँ थ्री यूनिट्स बट जेहेतु एक्सीडेंट होगा आपंकर पांच यूनिट लगुच ये ठीक अच्छे ओके इट रिच्ड टू आवर्स लेट तमें ये देखते गैप हूँ केन रु पाँच दुई यूनिट रेसीो टू यूनिट्स गैप एक्चुअल भी लेट हो दुई घंटा एक्चुअल भी दुई घंटा तमें दिस इज एक्चुअली थ्री आवर्स दिस इज एक्चुअली फाइव आवर्स इनिशियली ए पॉइंट रु एंड रे पहुंचा को तीन घंटा लगुला जेहेतु आपंकर एक्सीडेंट होगा से पॉइंट रु ये पांच घंटा लगुच दुई घंटा ट्रेन लेट होगा एक्सीडेंट पर ठीक ओके क्लीयर हो ओके इफ इंजिन हार्ड प्रोब्लेम आफ्टर ट्रावेल्ड फॉर अनदर 150 किलोमीटर ओके लेट्स से दिस पॉइंट तो ये गैपटा हूँ कैसे दिस गैप इज 150 दिस गैप ए गैपटा दिस इज ए दिस इज बी ए गैपटा हूँ 150 किलोमीटर ओके ये यदि होता ए टू रिच वन आवर ओके बहुत सिंपल देखे जब ये बी पॉइंट एक्सीडेंट होता ये भी स्पीड कौन होता स्पीड थ्री फिफ्थ होता तो मैंने यदि पाँच अच्छी ये तीन हम ठीक टाइमटा के टाइमटा थ्री टू फाइव हो कौन रिच्ड वन आवर लेट घंटेट लेट हम ठीक अच्छे तेल ये गैप अच्छी के गैप अच्छी तीन रु पाँच आप गैप अच्छी टू यूनिट्स बट एक्चुअल लेट हूँ वन आवर तो वन यूनिट करेस्पंड्स टू हाफ आवर्स तो तीन करेस्पंड करुच तीन करेस्पंड करुच वन पॉइंट फाइव आवर्स मैंने ओरिजिनल युद्ध ये वन पॉइंट फाइव आवर्स लगुला बट जेहेतु एक्सीडेंट होगा आउ घंटे मैंने टू पॉइंट फाइव आवर्स लगेगा अरे युद्ध ये स्टूडेंट्स थ्री इज टू फाइव यही पॉइंट एक्चुअली युद्ध ये जीवन तीन यूनिट लगी था बट एक्सीडेंट पर पांच यूनिट लगुच क्लीयर होके अबिका मार्क करूँ यही पॉइंट रु कथ बहुत प्रबल शुणे यही पॉइंट रु ये जीवाक तीन घंटा एक्चुअल टाइम यही पॉइंट को जीवा को 1.5 फाइव आवर्स एक्चुअल टाइम ताले ये जो गैपटा ये गैप ए बी गैप दिस गैप देखो ये गैपटा यही गैपटा हूँ कैसे 150 किलोमीटर तीन घंटा युठू एटिक एंड जाए 1.5 फाइव आवर्स युठू एटिक एंड जाए तो मैंने यही गैप्रे के थ्री माइनस 1.5 मैंने 1.5 फाइव आवर्स ट्रावेल करुच 150 किलोमीटर तेल स्पीड के 150 बाय 1.5 हुच इज 100 किलोमीटर पर आवर क्लियर ओरल क्वेश्चन सिंपल नेक्स्ट किछि नाही नेक्स्ट अक्षय सर ट्रैवलिंग स्टार्ट्स वर्किंग ऑन ए जॉब कंटिन्यूस फॉर 15 डेज एंड कंप्लीट 36% ऑफ द वर्क ठीक अच्छे टू कंप्लीट द वर्क ही एम्प्लॉयज मोनिका एंड टुगेदर दे वर्क फॉर 20 डेज एंड कंप्लीट द वर्क ठीक अच्छे व्हाट विल बी एफिशिएंसी रेशियो ऑफ अक्षय एंड मोनिका बहुत सिंपल एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क हमें जानते हैं जदि टाइमटा स्टूडेंट्स कन्स्टांट थाए जदि टाइम कन्स्टांट थाए एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क जस्ट माइंड रखु यहाँ जमी आम स्पीड टाइम डिस्टेंस कौन थाए रिलेशन स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अरे ए इनटू बी इक्वल टू रिलेशनशिप जदि टाइम कन्स्टांट थाए स्पीड रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस इश्यू इजंट इट सेम जिनस ये पढ़ी आप टाइम एंड वर्क स्टिल टे रिमाइंड करदे गोटे जिनस मार्क करूँ गोटे जिनस मार्क करूँ बहुत वे करहब आपको सिंपल वे कहे बहुत वे करहब क्वेश्चन बहुत वे आज लेंदी वे भी करेंगे बट टे स्मार्ट वे काम करूँ 15 दिन अक्षय अक्षय कथा मुझे अक्षय 15 दिन में 36% काम कर 36% वर्क करुच्चा तेल गोटे जिनस कहतु तेल 20 डेज केम कर टाइम रेशियो हूँ 3:4 टाइम रेशियो 3:4 तेल वर्क रेशियो के 3:4 कहीं टाइम रेशियो जहाँ वर्क रेशियो से कहीं क्या अक्षयर तो एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी कौटी कही कि अक्षय तो एफिशिएंसी बढ़ेगा कौटी कहीं तुम्हें एफिशिएंसी कांस्टेंट ताले टाइम रेशियो जहाँ आप वर्क रेशियो से मैं दिस इज 3:4 तो दिस हाज टू बी 3:4 तो थ्री यूनिट्स करेस्पॉन्ड 36 फोर यूनिट्स करेस्पॉन्ड टू 48% तमाने 20 डेज रे अक्षय कर 48% वर्क क्लीयर हो तो स्टूडेंट टी आडभांस आप्रोच बुझे प्रपरली तापर कौन है ओके अबिका देखु ऑलरेडी 15 दिन में 36% कर 20 दिन में 48% करदे किए अक्षय तेल मिसेकना केम करदे मिसेकना करदे दिस इज 84% वर्क 84% वर्क तो करदे अक्षय अक्षय एके ठीक अच्छे जदि
84% वर्क अक्षय करेछि ताहले से जो झियो किए मोनिका मोनिका केते परसेंट काम करथिबो टोटल काम होइ 100% मोनिका करथिबो 16% काम एग्री करछन आपण ठीक 16% वर्क करथिबो मोनिका क्लियर होछि अभिकम जिनस कोंत 16% काम जदि करछि मोनिका अभिकम आपण को मेन कांसेप्ट अभिका स्लाइड एफिशिएंसी लिखिबी के मु एठी के गोटे काम करिया देखो स्टूडेंट्स मुझे लिखुच एफिशिएंसी एफिशिएंसी है एफिशिएंसी 20 डेज रे एफिशिएंसी पचार जी एफिशिएंसी रेशियो ओके वर्क रेशियो फर्स्ट में लिखी वर्क वर्क रेशियो जेहेतु टाइम कांस्टेंट 20 डेज देखंतु 20 डेज रे अक्षय करजे केते 48% मु वर्क रेशियो लिखीबी एटी फर्स्ट लिखीबी अक्षय एट लिखीबी मोनिका ठीक अछि वर्क रेशियो केते ये करछि 20 डेज रे 48% काम मोनिका 20 डेज से केते करछि कने 20 दिन काम करछि मोनिका मिसिकिना 20 दिन रे अक्षय करछि 48% 20 दिन रे मोनिका करछि 16% 16% ठीक अछि अबिका एटा होछि वर्क रेशियो म आपन आउ टिके आगु कहितली जेहेतु 20 डेज म बारंबार निजको रिपीट करछि 20 डेज रे ये दि करछि 20 डेज सेति करछि त टाइम इज कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम अक्षय पई जेति टाइम मोनिका पई सेति टाइम जेहेतु टाइम कांस्टेंट वर्क रेशियो जहा एफिशिएंसी रेशियो भी त सेया हो एटा केते अछि दिस इज 3:1 तो बुझे आप दिस इज 3:1 ऑप्शन ई क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर ओरल क्वेश्चन नेक्स्ट 8 मेन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज ठीक अच्छे 8 ओमेन कैन डू द सेम इन 32 डेज ठीक अच्छे सो 8 गला कैंसल दिस इज 4 रे काटले 5 8 दैट इंप्लाइज एम बाय डब्ल्यू है हाज टू बी 8/5 डायरेक्टली कमी 8/5 लिख देली टी कमन सेन्स सब यूज करेंगे सब मैन एफिशिएंसी अमाउंट अधिका हुए एनी क्वेश्चन आप ना देखिए दिस इज 5M 8W क्या किसी अच्छा मैंने फेमिनिस्ट थे से कहे सर मैन एफिशिएंसी अमाउंट अधिका कमी है तो सही क्वेश्चन भी सैया होती सब चेक करेंगे सो दिस इज क्लियर होक्स्ट ये आप एफिशिएंसी रेशियो पड़े आसला अबिका आप टोटल वर्क बाहर कर दिखाँ आइदर 8 पुट करूँ और सेट पुट करूँ ये 8M × 20 अबिका एम जगार 8 पुट कर दिखाँ के 8M × 20 आम कौन टोटल वर्क एम जगार 8 पुट कर दिखाँ 64 × 2 इट इज 128 गोटे जीरो सो दिस इज टोटल वर्क क्लियर हाउ मेनि डेज 5 men 8 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क ओके माने 1280 डिवाइड बाय 5 men + 8 women तो ओरल क्वेश्चन होला 1280 डिवाइड बाय एम जगह रिपोर्ट करंतु 8 40 दिस इज 8 × 5 त माने 40 80 दिस इज 8 रे केते गले 128 हो 16 टाइम्स ऑप्शन ए क्लियर क्लियर कॉस्ट ऑफ बी इज 200 मोर देन ए बी सोल्ड एट द प्रॉफिट ए टाइप रोड क्वेश्चन हमें करथले आउट के अगुरु ए टाइप रोड क्वेश्चन करथले हमें कोठी करथले राइट एग्जैक्ट सेम टाइप रो करथले हमें कॉस्ट ऑफ बी एति मोर देन दिस एति सो ए टाइप रो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी करचंती ठीक ए टाइप रो ऑलरेडी क्वेश्चन करा हेची सो 20 नंबर टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी करा हेची तो एटा को मु करबिनी एटा आपन निजे करिवे दिस इज होमवर्क जेहेतु टाइप रो क्वेश्चन करा हिची एटा को मु आउ करबिनी एटा आपन निजे करिवे नेक्स्ट नेक्स्ट करों तो 21 ट्राय टिकके मु पानी पी दिए हे प्रभु व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ 1 − 1/3 ओके देखो तो कौन लिखा है दिस इज 1 − 1/3 दिस ही आउथ वर्ड टेलीस्कोपिक सीरीज है वड़ा बहुत सिंपल ऑलरेडी आप अल्जेब्रा प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपन पढ़ी चे वड़ा एटा तो अति सिंपल क्वेश्चन टा सो ये आप क्लियरली दिस जाऊँ पैटर्न दिस इज 1 − 1/3 हो 2/3 इंटू
वन माइनस वन बाय फोर हूँ थ्री बाय फोर इंटू दिस इज वन माइनस वन बाय फाइव हूँ फोर बाय फाइव तो पैटर्न दिशी जाऊँ आप तीन तीन कैंसल हो चार चार कैंसल हो सो फर्स्ट टर्म रही लास्ट टर्म रही सो हो जाए कैसे टू बाय हंड्रेड व्हिच इज वन बाय फिफ्टी ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स एंड हिज वाइफ्स शेयर टू हिज डॉटर्स आर बोथ इन रेशियो थ्री इज टू वन ओके सन्स शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ्स टू हिज डॉटर वाइफ टू हिज डॉटर्स ओके ठीक अच्छे दिस इज बोथ थ्री इज टू वन बोथ को रेशियो अच्छी बोथ अच्छी थ्री इज टू वन है सो मर्ज रेशियो करिया एटी वन अच्छी तीन अच्छी डब्ल्यूटा सेम करा पड़ो तो मैंने एटी मल्टीप्लाई करेंगे तीन एटी मल्टीप्लाई करेंगे एक सो एस इज टू डब्ल्यू इज टू डी को रेशियो हो जाए नाइन इज टू थ्री इज टू वन कह जी इफ डॉटर गेट्स टेन थाउजेंड लेस देन सन है सो ओके माने डॉटर रो होची केते 10,000 लेस माने एटी रेशियो रे गैप केते होची 8 यूनिट बट एक्चुअल रे एक्चुअल रे हेटा होची 10,000 ठीक होची सो 1 यूनिट रो वैल्यू केते दिस इज 125 1250 राइट टोटल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी केते होची 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 सो 13 यूनिट रो वैल्यू केते 13 इनटू 1250 व्हिच इज 16,250 ऑप्शन ए इज करेक्ट वाइफ सॉरी अ हाउस वाज सोल्ड फॉर 12,600 एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन कॉस्ट प्राइस 5% प्रॉफिट हो 5% प्रॉफिट टा लिंक करे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 5% रा वैल्यू होची 1/20 ता माने 20 जदि मोर कॉस्ट प्राइस एक रा प्रॉफिट दिस इज 21 पार्ट कहि छी सोल्ड फॉर माने 21 यूनिट रा वैल्यू होची 12600 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स दिस इज 600 टाइम्स ता माने एटा होची इनटू करि छी आमे 600 ता माने 86 मल्टीप्लाई करिवे केते हे जीवो 12000 हे जीवो व्हाट वुड बीन गेन्ड इफ ही सोल्ड फॉर 13000 ता माने जदी कॉस्ट प्राइस 12000 सेल करथंता 13000 रे ताले केते गेन करथंता बारह हजार इज टू 13000 जे थांदा सीपी इज टू एसपी थांदा एटा त कैंसिल हो जीवो त माने 12 रु 13 वन रा प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस त माने 1/12 टा होचि केते 8.33% 8.33% माने 8 होल 1/3% फाइन प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 बट रिटेलर गेट्स 40% डिस्काउंट 900 उपरे 40% डिस्काउंट पाउची रिटेलर डिस्काउंट कहाँ टू पाए होलसेलर टू पाए मैंने होलसेलर टा एटी इम्प्लिसिट अच्छे है होलसेलर टू 40% डिस्काउंट पाउच 900 उपर 900 रो 10% केते 90 40% केते 360 डिस्काउंट जदि पाइला ताहले ता कॉस्ट प्राइस केते हैला रिटेलर रो कॉस्ट प्राइस 540 कॉस्ट प्राइस सेल केते कला 900 रे कला सेल ता माने 540 एटा होय ता सेलिंग प्राइस ताहले पचार छी कोन प्रॉफिट हां ताने 540 इज टू 900 सीपी इज टू एसपी के गेन हो 0,0 कैंसल 18 काटले दिस इज 3 दिस इज 5 ताने 2 रो गेन ऑन द बेस ऑफ 3 ताने 2/3 66.66% और 66 होल 2/3% फाइन फाइंड आउट कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 500 पर मंथ एट 6% सिंपल इंटरेस्ट मंथली 500 ताहले इयरली केते हबो इयरली हबो 500 इनटू 12 होची 6000 6000 होची इंटरेस्ट 12 मास रे 6000 इंटरेस्ट ता माने 6% रो वैल्यू होची 6000 पचार छी कोन फाइंड आउट कैपिटल माने सम पचार छी सम टा सबले होची 100% यदि 6% टा 6000 त 100% टा केते लखे फाइन ऑप्शन ए इज करेक्ट ये सब तो ओरल क्वेश्चन होड़ा ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन
10 days, B and C in 12 days, C and A in 15 days, यांको LCM केते 60 है, 60 हैले, this is 6, 5, 4, हैला, एटा होची कौन, this is efficiency, here I am writing the efficiencies, हैना, okay, but, वोट इन समार्क करों, एठिया में A plus B रा efficiency 6, B plus C रा 5, C plus A रा 4, मुँ कौन कही पारी भी, 2 A plus B plus C, कहेंगे ना, दिमों add कर देवी, A दिथर, B दिथर, C दिथर, 2 A plus B plus C, होची केते, 11 plus 4 होची 15, so, A plus B plus C टाके थे हब 7.5 fine how many days C finish the work C कथा पचारला जद्धी A plus B plus C रह होची 7.5 मते दरकार C रह तहले कौन माइनस करले C मिली जीवो A आउ B जद्धी माइनस कर दे भी A plus B plus C रह तहले C मिली जीवो A plus B रह efficiency केते 6 तामाने मुँ माइनस कर दे भी 6 A plus B रह efficiency होची 6 dihydrated माइनस कर दियंतु तहले सी बंची गला सी रो केते असला एफिशिएंसी 7.5 माइनस 6 होची 1.5 सी रो एफिशिएंसी असला 1.5 टोटल वर्क होची 60 त माने 60 बाय 1.5 व्हिच इज 440 ठीक 3 कार्स ट्रैवलड डिस्टेंस डिस्टेंस केते 1:2:3 एंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ट्रैवल टाइम रेशियो होची केते 3:2:1 रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स तो स्पीड टा केमती बाहर है डिस्टेंस बाय टाइम टा होची स्पीड सो एटा केते हि जाउ देखंतु डिवाइड कर दियंतु डिवाइड करले आंसर बाहर जीवो तो केते होची देखंतु दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम टा स्पीड ना तो दिस इज 1/3:2/2 होची 1 दिस इज 3 हला 3/1 टा होची 3 एका 3 सबटी मल्टीप्लाई कर दियंतु 3 मल्टीप्लाई करले केते हि जीवो 1:3:9 सब ओरल क्वेश्चन एवरेज एज ऑफ 12 मेंबर्स होची 56 इयर्स एवरेज टा होची 56 टू मेंबर्स हुज एज होची 60 आ जणकर होची 52 डाइड व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर ओके अब का जे पूरा गधो थिबो पूरा कंप्लीट गधो से कोन करिवे 12 × 56 करिवे 12 × 56 तापरे फेडीबे कोन 60 प्लस 52 हला एटा करिए फेडीबे तापरे बाय 10 करिवे सेमति काहे करिवे हां एटा तो ओरल क्वेश्चन टा ए सब काम पूरा स्कूल पिला करनते अब का आपण देखिवे अपन एवरेज टॉपिक रे पढै छी डेविएशन मेथड एवरेज होटी 56 60 टा एवरेज केते अधिक आछ 4 अधिक आछ एटा एवरेज टू केते कम आछ 4 कम आछ प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल ता माने डेविएशन रो इंपैक्ट होची जीरो जेहेतु डेविएशन जीरो ता माने 56 ही रहिबा एवरेज ऑप्शन सी उराली हे लागने उराली हे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर होची 8 डिजिट्स आर रिवर्स नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 व्हाट इज द नंबर एटा ऑप्शन यूज करना कर दो 71 रिवर्स हे लगे 17 71 माइनस 17 54 डायरेक्टली मिल गला ऑप्शन ए इज करेक्ट हला बाकी तो आपण 35 53 डिक्रीज तो होनी 52 25 ये नहीं ये भी सैटिस्फाई होनी 70 कले बढ़ी जाउ डिक्रीज पड़ेला नेक्स्ट इनकम ऑफ ए ए एंड बी होची 3:2 इनकम रेशियो दीजिए फर्स्ट इनकम होची केते 3:2 एक्सपेंडिचर केते 5:3 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होची सेविंग्स सेविंग केते होची 2000 ईच हला ताले एठी कोन करिया एठी गुडाई मेथड रे करी हबो रेशियो रे करी हबो इक्वेशन करना करी हबो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रे करी हबो तीन चारटा मेथड रे करी हबो मु अप्लाई करची क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन धरंतु 3 × 3 9 माइनस 10 9 माइनस 10 होची पॉजिटिव डिफरेंस होची 1 5 × 2 10 3 × 2 6 5 10 10 - 6 4 तो 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 4000 हला पचारला कोन एस एक्सपेंडिचर अभी का आपने जानि चंती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबले ऊपर रोटा बाहरे एटा बाहरी बनी एठी मु डायरेक्ट पके पके परबिनी ऊपर रोटा बाहरे अभी का ए कथा कहिला तो ए रो इनकम केते हला 12000 3 × 4000 अभी का एही पार्टटा केमिति बाहरिवो एही पार्टटा एमिति बाहरिवो 12000 - 2000
होची 10,000। ऑप्शन सी डायरेक्ट जदि आपण पुट करथांदे हेतांदे केते 4 × 5 = 20,000 भूल हो जीवो सबबेले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रे ऊपर वैल्यू भारी ऊपर रोटा भारी एटा बाहर करिया को आपण को याको यूज करिया पडिवो अपर एंड दिस पार्ट जेंते हमें यूज करले 12,000 - 2,000 होची 10,000। ठीक आउ ऑडियंस हमर मोबाइल एप रे आरआई एआरआई अमीन रो मॉक टेस्ट अवेलेबल बेस्ट ऑफ द लीग मॉक्स आपण जानिथि हम मॉक सबले टॉप नॉच रहे तर सो आपण डेफिनेटली याकू एक्सेस करि पाइबे जदि आपण को एग्जाम रे सिलेक्शन नबार अछि ताहले। ठीक सह सह पिला सिलेक्ट हि जंती सीजीएल रे सीजीएल रे हम मॉक टेस्ट यूज करना आपण चाहिले ये करि परबे जदि परीक्षा अपीयर करचंती काहे व्हाई नॉट टेक द बेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल इन मार्केट हले एटा बहुत प्रॉपर्ली बना होची भलो टीम एप रे काम करना बनौजु हमें सो आपण डेफिनेटली याकू एक्सेस करि परबे। थैंक यू सो मच सेशन रो फीडबैक कौन है डेफिनेटली मते कमेंट करना कहे क्लास आपको भल लगला ना खराब लगला ना अति खराब लगला सब आपर आ कम्प्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाव दुटा पीडीएफ मिल क्वेश्चन रही आउ कौन क्वेश्चन भी मिल सहित रिटर्न भी मिल। थैंक यू सो मच।